नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खुदीराम बोस के शहादत के अवसर पर पटना में मुख्यमंत्री ने मनाया शहीद दिवस। आपको बता दें कि शहीद दिवस के मौके पर आज पटना के विधानसभा स्थित सत्यमूर्ति के पास बिहार सरकार द्वारा राजकीय समारोह के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री एवं विधायक गण भी श्रद्धांजलि अर्पित उन शहीदों को याद किया। आपको बता दें कि खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि खुदीराम से पूर्व 17 जनवरी 1872 को 68 कुकाओं के सार्वजनिक नरसंहार के समय 13 वर्ष का एक बालक भी शहीद हुआ था। उपलब्ध तथ्यानुसार उस बालक को, जिसका नंबर 50वां था, जैसे ही तोप के सामने लाया गया, उसने लुधियाना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कावन की दाढ़ी कसकर पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ तलवार से काट नहीं दिए गए। बाद में उसे उसी तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गाँव में बाबू त्रैलोक के नाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि वो 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19वें वर्ष में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास भी रच दिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के क्रांतिकारी सत्यानंद द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने सिपाही के मुंह पर घूसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहासवेत्ता मालती मलिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए और 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गए। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैम्फाइलट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे वहां भी बच निकले। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।